हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज के इस वीडियो में जो है हम हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स की फिफ्थ यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में हमारी पहले की जो चार यूनिट्स थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया सुपरवाइज लर्निंग अन लर्निंग के बारे में और हमारी लास्ट यूनिट जो कि थी फोर्थ यूनिट उसके अंदर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के बारे में समझा जो कि हमारे मशीन लर्निंग के एडवांस टॉपिक्स में आते हैं अब इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं री लर्निंग के बारे में और इस वीडियो के अंदर मैं आपको री लर्निंग के साथ साथ एक प्रैक्टिकल केस स्टडी या आप इसे बोल सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन री लर्निंग की कि कहाँ पर री लर्निंग यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है उसको जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग के इंट्रोडक्शन के साथ कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती क्या है तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग शॉर्ट फॉर्म में आर एल मशीन लर्निंग का एक टाइप होता है जिसके अंदर एक एजेंट जो है वो डिसीजन जो है वो खुद लेता है बाय इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरमेंट अब हमारी नॉर्मल मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं नॉर्मल मशीन लर्निंग का मीनिंग है यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम पहले मशीन को ट्रेन करते थे या फिर हम मशीन को जो है इनपुट और आउटपुट दोनों देते थे एटलीस्ट हम मशीन को इनपुट तो देते ही थे चाहे वो सुपरवाइज हो या फिर वो अनसुपरवाइज लर्निंग हो ताकि वो कुछ प्रिडिक्ट कर सके राइट बट री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या है प्रोसीजर सेम रहेगा हमें मशीन से कुछ आउटपुट ही प्रिडिक्ट कराना है बट यहाँ पे जो है ना ही हम मशीन को इनपुट देंगे और ना ही हम मशीन को आउटपुट देंगे री लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच एन एजेंट अब सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के अंदर हम मशीन के मॉडल को क्या बोलते थे मॉडल के नाम से प्रोनाउंस करते थे बट यहां पे हम क्या करेंगे उसको एजेंट के नाम से प्रोनाउंस करेंगे तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच एन एजेंट लर्न टू मेक डिसीजन बाय इंटर विद इट्स एनवायरमेंट अब ये जो एजेंट होता है ये एक्शन लेता है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करने के बाद जो भी उसे रिटर्न में एक हिंट मिलती है या वैल्यूज़ मिलती है उसको जो है वो एज अ फीडबैक की तरह ट्रीट करता है और वो फीडबैक जो है हम देते हैं और फीडबैक के अंदर दो चीज़ें होती हैं एक होता है रिवॉर्ड एक होता है पेनल्टी तो गोल यहाँ पे क्या हो गया हमारे एजेंट को जो है हमें सिखाना है उसको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है या फिर एक ऐसी पॉलिसी बनानी है हमें एजेंट के साथ जो कि क्या कर सके हमारे रिवॉर्ड को जो है मैक्सिमाइज करते चले जाए अब अभी मैंने आपको बताया कि एक एजेंट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा रिटर्न में कुछ वैल्यू लाएगा और हम उसे क्या देंगे रिवॉर्ड देंगे तो गोल हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा रिवॉर्ड है उसका जो क्यूबुलेटिव सम होगा यानी कि जितने भी टाइम्स एक्शन परफॉर्म होगा एजेंट के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा अगर उस आउटपुट का रिवॉर्ड जितना ज़्यादा होगा यानी और आउटपुट के सम्स का रिवॉर्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है हमारा मॉडल उतना ही जो है हमारा एजेंट सक्सेसफुली बिल्ड होगा तो गोल क्या है क्यूबुलेटिव रिवॉर्ड जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द स्पेसिफिक टाइम वो जो है मैक्सिमम होना चाहिए अब री लर्निंग के कुछ की कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज एजेंट एजेंट जो है बेसिकली आपकी वो एंटिटी होती है जो कि एनवायरमेंट्स के साथ जो है एक्शन कुछ परफॉर्म करती है अब एनवायरमेंट क्या होता है एनवायरमेंट जो है आपका एक्सटर्नल सिस्टम होता है जिससे एजेंट इंटरेक्ट करें फॉर एन एग्जाम्पल आपने रोबोट देखे होंगे रोबोट्स क्या करते हैं रोबोट्स एक एजेंट का टाइप है एक एग्जाम्पल है और रोबोट्स एनवायरमेंट से जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो जो होता है हमारा एनवायरमेंट होता है अब एजेंट और एनवायरमेंट के साथ ही जो है एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एक्शन और फीडबैक तो जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होता है हमारा स्टेट अब स्टेट क्या होती है स्टेट जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है करंट सिचुएशन की या फिर कन्फिग्रेशन की ऑफ द एनवायरमेंट कि अभी हमारा एजेंट किस स्टेट में है तो वो स्टेट कैसे डिफाइन होती है स्टेट डिफाइन होती है हमारे एक्शंस के थ्रू अब एक्शंस क्या होते हैं एक्शंस होते हैं हमारे डिसीजन या फिर मूव्स जो कि एजेंट आपका किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर परफॉर्म करता है और जब एक्शन परफॉर्म होगा स्टेट डिफाइन होगी एनवायरमेंट हमारे पास होगा एजेंट उस पर वर्क करेगा देन हमें मिलेगा आउटपुट और उस आउटपुट को जो है हमें क्या करना है रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है अब या तो यहाँ पे रिवॉर्ड हो सकता है या फिर पेनल्टी हो सकती है तो बेसिकली फीडबैक एक टर्म आती है तो फीडबैक के अंदर हमें रिवॉर्ड देना है अब रिवॉर्ड क्या हो सकता है रिवॉर्ड एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जो कि इमिडिएट बेनिफिट या फिर कॉस्ट प्रोवाइड करेगी एक्शन के लिए जो भी एजेंट ने यहाँ परफॉर्म किए अभी मैंने आपको बताया रिवॉर्ड की वैल्यू प्लस वन हम असाइन कर सकते हैं और पेनल्टी की वैल्यू माइनस वन हम असाइन कर सकते हैं और एट द एंड हमारे जब गोल रीच हो जाएगा तो हमारे एजेंट को पता रहेगा कि उसके सम की वैल्यू यानी कि क्यूमलेटिव रिवॉर्ड की वैल्यू जो है वो कितनी थी जितना क्यूमलेटिव रिवॉर्ड की वैल्यू हाइयर होगी उतना ही हमारे एजेंट की एफिशेंसी हाइयर होगी सिक्स एक टर्म आती है पॉलिसी अब ये पॉलिसी क्या कहती है पॉलिसी जो है ये बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी होती है जब आपने सारे एक्शंस परफॉर्म कर लिए तो क्यूमुलेटिव सम की जो वैल्यू होगी वो जो है कौन डिफाइन करेगा वो डिफ़ाइन करेगी पॉलिसी पॉलिसी ये कहती है कि जितनी भी स्टेट से हमने एक्शंस परफॉर्म किए और एजेंट ने उन एक्शंस को फॉलो किया तो ऑप्टिमल पॉलिसी तक हमें पहुंचना है जहां पे हमारे क्यूमलेटिव रिवॉर्ड की वैल्यू मैक्सिमम होंगी और वही चीज़ यहां पे मैंशनड है ये एक छोटा सा डायग्राम है एनवायरनमेंट और एजेंट किस तरीके से कोरिलेट करते हुए एक्शंस परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी स्टेट के अंदर वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसका ये डायग्राम है जो कि आपको कंप्लीटली समझा देगा कि किस तरीके से एजेंट और एनवायरमेंट जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड एक्शन एंड स्टेट्स अब मूव ऑन करते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं कि, कि किस तरीके से री लर्निंग हम रियल लाइफ में यूज करते हैं तो एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पे आपको इसलिए एक एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हम एक रोबोट को जो है एक रूम के अंदर से टॉयज़ को पिकअप करना सिखाएंगे बेसिकली एक एम रूम होगा या फिर कुछ एलिमेंट्स के साथ आपका रूम होगा उसके अंदर एक रोबोट होगा और उस रूम के फ्लोर पे जो है बहुत सारे टॉयज़ आपके बिखरे हुए होंगे री इन्फोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हमें रोबोट को सिखाना है कि वो टॉयज़ को पिकअप करें और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है उन पिकअप टॉयज़ को जो है वहां पे जाके वो रख दे तो पहला स्टेप क्या होगा पहला स्टेप होगा हमारा एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या होगा हम रोबोट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कि उसे किस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉय को पिकअप करना है और किस लोकेशन पर रखना है बेसिकली हम हमारे रोबोट को इनिशियल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर ऑब्जर्वेशन और रिवॉर्ड अब इसके अंदर क्या है रोबोट जो है सक्सेसफुली एक पर्टिकुलर टॉय को पिकअप करेगा और उसे एक राइट right स्पॉट पे जो है प्लेस कर देगा यानी कि रख देगा अब अगर उसने ऐसा कर दिया तो हम उसे एक पॉजिटिव री देंगे बेसिकली एक हैप्पी साउंड प्रोवाइड करेंगे या हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड उसे प्रोवाइड करेंगे विच कैन बी ऑफ साउंड भी हो सकती है वो या फिर हम वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया प्लस वन थर्ड पॉलिसी अपडेट होगी अब जैसे उसने एक टॉय को उठा के एक पर्टिकुलर प्लेस पर रख दिया और हमने उसे रिवॉर्ड कर दिया अब रोबोट ऐसा तो है नहीं एक बारी में सीख गया तो रोबोट को जो है मल्टीपल टाइम्स वो सेम एक्शन हम परफॉर्म करवाएंगे और जब जब वो सेम एक्शन परफॉर्म करेगा और उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मशीन है और मशीन जो है जितना हम उसे रिवॉर्ड करेंगे उतना जल्दी वो सीखेगी तो जितना पॉजिटिव रिवॉर्ड्स हम उसको प्रोवाइड करते रहेंगे और सेम एक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे तो रोबोट की जो अंडरस्टैंडिंग की पावर है कि उसे टॉयज को किस तरीके से पिकअप करना और किस प्लेस पर रखना है वो जो है उसकी एक्यूरेसी को जो है इंप्रूव करेगा अब फोर्थ ऑप्शन आता है ट्रेनिंग एट्रेशन अब तक हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया टॉय को एक बार सिखा दिया बेसिकली रोबोट को एक बार सिखा दिया किस तरीके से टॉयज को पिकअप करना और प्लेस करना है अब बारी आती है ट्रेनिंग की तो जो भी अब तक हमने प्रोसेस किया उसी को हम रिपीट कराएंगे और अब यहाँ पे हम रोबोट को अलाउ करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए और ख़ुद ही खुद जो है अलग अलग लोकेशन से उसको टॉय डिटेक्ट करने में और टॉय को पिकअप करके प्लेस करने में तो यहाँ पे अब हम टॉय को कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी कि अब हम रोबोट को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे रोबोट खुद अब अपनी कमांड्स एक्शन और पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो खुद ही डिफाइन करेगा यानी कि उसकी अब हम ट्रेनिंग होगी जब ट्रेनिंग हो जाएगी देन लास्ट आता है हमारा कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस के अंदर आता है जब इनफ आइट्रेशन हो जाती है यानी कि मल्टीपल टाइम्स एक रोबोट पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो रोबोट जो है बेसिकली आपकी सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेता है जिसके अंदर टॉय को पिकअप करना और उसे पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में प्लेस करना जो है उसे आ गया तो उसको क्या हो जाएगा उसके रूम का टॉयज का किस लोकेशन को प्लेस करना उसको आइडिया हो जाएगा बेसिकली आपका रोबोट जो है वो अडेप्ट कर लेगा सिचुएशन और ये सब जब हो जाएगा तो फाइनली आउटकम के अंदर अब हमें उस रोबोट को बार बार ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद जो है आपका रोबोट समझ जाएगा कि उसे रूम के अंदर से टॉयज़ को पिकअप करना है और सक्सेसफुली एक एप्लीकेशन हमने बिल्ड कर दी एक सिनेरियो हमने बिल्ड कर दिया रोबोट का यानी कि एक स्पेसिफिक रोबोट हमने बिल्ड कर दिया जो कि स्पेसिफ़िकली एक चीज़ के लिए बना है एक पर्टिकुलर रूम में से टॉय को पिकअप करके एक दूसरी जगह पे प्लेस करने के लिए अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे है आपने बहुत सारे रोबोट्स देखे होंगे जो कि रूम क्लीनिंग में या फिर हाउस क्लीनिंग में यूज़ किए जाते हैं अब उनका स्पेसिफिक पर्पस ही यही होता है उनको ट्रेन इस तरीके से किया जाता है अब आप देखिए वो जो आपका हाउस क्लीनिंग रोबोट होता है वो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं उसे अपने हाउस में यूज़ कर रहा हूँ अपने रूम में यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे रूम को क्लीन करेगा क्योंकि उसको मेरे रूम का आइडिया है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि सामने क्या ऑब्स्टेकल है क्या उसको वहाँ पे क्लीन करना है क्या उसको वहाँ पे क्लीन नहीं करना वो तो कैसे सीखता है वो सीखता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग से बिकॉज उसको ट्रेन इस टेक्निक पे किया गया है कि वो कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा खुद ही फीडबैक लेगा खुद ही रिवॉर्ड या पेनल्टी प्रोवाइड करेगा और लास्ट में अपने रिवॉर्ड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा कि मुझे इस पोजिशन पर रिवॉर्ड मिला था तो मुझे यहाँ पर क्लीन करना है या फिर मुझे इस पॉइंट पे इस लोकेशन पे पेनल्टी मिली थी बिकॉज मेरे सामने कोई ऑब्स्टेकल था कोई एरिया था जिसको मुझे क्लीन नहीं करना था तो वो उस एरिया को क्लीन नहीं करेगा तो ओवरऑल री लर्निंग इस जगह पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आपकी मशीन आपका रोबोट खुद किसी एक्शन को परफॉर्म करे वहाँ से एज पर द एनवायरमेंट एक आउटपुट एक वैल्यू जनरेट करे और उसकी फीडबैक वैल्यू यानी कि रिवॉर्ड से जो है वो खुद ही सीखता चला जाए थैंक यू